Hello friends, I am Susanta. Welcome you all to class 10 geography chapter number 6. As we are continuing manufacturing industries. So today I will continue industry and market linkage. Industry or market ke beech mein jo linkage hai uske bare mein hum discussion karenge. So let's start. स्वतंत्रता से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योगों की स्थापना दूरस्थ देशों में से व्यापार पर आधारित थी, जैसे मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई आदि. परिणाम स्वरूप कुछ एक नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे, जो ग्रामीण कृषि पृष्ठदेश से घेरे थे. इसको हम कहते हैं हिंटरलैंड. तो इंडस्ट्री और मार्केट का लिंकेज जो है, उद्योग और बाजार का संबंध, चलो देखते हैं कैसा है. फर्स्ट शुरुआत होता है इनपुट से, निवेश. इनपुट से जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, उत्पादन का जो फैक्टर्स. फिर उसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट, परिवहन हम कहते हैं. परिवहन से जाता है फैक्ट्री, जो कारखाना. कारखाना से जो आउटपुट होता है प्रोडक्ट का, तैयार माल उत्पाद. उसके बाद ट्रांसपोर्ट और एक बार परिवहन, फिर मार्केट बाजार, और उसके बाद जाके पूंजी या मनी मिलता है. तो सीरियली देखेंगे, इनपुट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट टू फैक्ट्री, आउटपुट या प्रोडक्ट्स, वन सेकेंड ट्रांसपोर्ट, देन मार्केट, देन मनी. किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पाद लागत से निर्धारित होती है. सरकारी नीतियों तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है. लेट अस हैव ए लुक ऑन आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री. उद्योग की आदर्श अवस्थिति, ये स्थान पर जो कच्चा माल प्राप्त करने की लागत हो, उस स्थान पर उत्पादन की लागत, उस स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्णय, उत्पादन के वितरण का लागत. तो ऐसे ही एक लोकेशन इंडस्ट्री का एक आइडियल लोकेशन होता है. नाउ वी विल हैव ओवरऑल आइडिया ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जो उद्योगों का वर्गीकरण, जो रोजमर्रा की जो इस्तेमाल हम करते हैं, जो चीज विभिन्न औद्योगिक उत्पादों को की सूची हम देखेंगे. जैसे कि बिजली का बल्ब, वनस्पति का जो तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, मैचिस, स्कूटर इत्यादि. यदि हम विशेष मापदंड जो आधार पर देखेंगे, तो उद्योगों के जो प्रकार है, चलो देखते हैं कैसे उसका प्रकार होता है. कच्चा माल की जो प्रयुक्त, कच्चे माल के आधार पर, स्रोत के आधार पर, फर्स्ट इट इज एग्रो बेस्ड या कृषि के ऊपर आधारित. जैसे कि सूती का वस्त्र, जो कहते हैं रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय नहीं पीते हैं हम लोग, कॉफी, ये सब है एग्रो बेस्ड. नेक्स्ट इट इज मिनरल बेस्ड, मीन्स खनिज आधारित, जैसे कि लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन, ये सब इसके अंदर है. नेक्स्ट इट इज उसका जो प्रमुख भूमिका क्या है, भूमिका के आधार पर मेन रोल. जैसे कि आधारभूत उद्योग होता है, जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं, जैसे कि लोहा इस्पात, तंबा प्रगलन व एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग. नेक्स्ट इट इज उपभोक्ता उद्योग, जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे कि चीनी, दंतमांजन, टूथपेस्ट, कागज, पंखे, सिलाई मशीन आदि. नेक्स्ट इट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पूंजी निवेश के आधार पर कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है. एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है. यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तन होती रहती है. अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर ही
की जाती है। यह निवेश मूल्य समय के साथ बदला गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। नेक्स्ट इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी जो एजेंसियों के द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिक जो लिमिटेड होता है, भारत हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड तथा स्टील कंपनी का जो है, इसके बारे में ये भी एक एग्जांपल है उसका। निजी क्षेत्र के उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित है। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हम पढ़े हैं लास्ट क्लास में, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग, ये सब इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट इट इज संयुक्त उद्योग, वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है ऑयल। नाउ लेट्स हैव ए लुक ऑन द कॉटन टेक्सटाइल्स, नो बिफोर दैट वी विल हैव सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सरकारी उद्योग भी है उसमें, जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादक, जैसे कि श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। संसाधनों का जो कोष संयुक्त होता है ना, इसका लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है। इसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ और यू कैन से क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। नाउ लेट्स हैव लुक ऑन द एग्रोवेस इंडस्ट्रीज, कृषि आधारित उद्योग के बारे में। जो अब हम पढ़े कि सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित है। नाउ लेट्स हैव ए लुक ऑन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वस्त्र उद्योग। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है, 14%। यह लगभग 350 लाख व्यक्तियों के रोजगार उपलब्ध करवाकर कृषि के पश्चात दूसरा बड़ा उद्योग है, तथा लगभग 24.6% जो परसेंट विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। सकल घरेलू उत्पाद में इसकी भागीदारी लगभग 4% है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। नाउ वी विल हैव ओवरऑल नॉलेज ऑन कॉटन टेक्सटाइल्स, इसका मतलब सूती वस्त्र उद्योग। प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद जो विद्युतीय करघो इसका उपयोग होने लगा। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों से स्पर्धा नहीं कर पाए। नवंबर 2011 तक देश में लगभग 1946 सूती तथा कृत्रिम रेशे इसकी कपड़ा मिले थे। इनमें से 80% निजी क्षेत्र में तथा शेष सार्वजनिक व सरकारी क्षेत्र में हैं। इनके अंतर्गत कई हजार छोटी इकाइयां हैं जिनमें 4 से 10 हथकरघे हैं। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित थे। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों की समीपता, श्रम, नमीयुक्त जलवायु आदि कारकों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया।
इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है, और कृषकों कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिजाइन बनाने वालों, पकेट बनाने वालों और सिलाई करने वालों, उसको यह जीविका प्रदान करता था। इस उद्योग के कारण रसायन रंजक मिल स्टोर तथा जो पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है, फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। यद्यपि कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम, जरी, कशीदाकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है, क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता। बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत करघों व मिलों में होता है। हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है। सो डियर फ्रेंड्स, दिस मच इज इट फॉर द डे। वंस अगेन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, टेक केयर ऑफ स्टडीज। थैंक यू।